मिला आपको उत्साह वर्धन हुआ सर, हम हमें पूरा आशीर्वाद मिला है, मिलता रहेगा आगे भी। और सर हम लोग जो है पूरा प्रयास करके देंगे। और तो मैं अनुरोध करूंगा जैसे सर से आप जो सर और इस पुस्तक को मैं जो तो एक मिनट में इसकी विशेषताएं बताऊंगा। जब कुछ लोग ये पुस्तक को तैयार कर रहे थे, पॉक्सो एक्ट और रूल्स, पॉक्सो एक्ट 2012 और पॉक्सो रूल 2020 ऐसी किताब नहीं थी जो इस जुनाइल जस्टिस सिस्टम को यानी किशोर एसओ को दे सके। तो वो इश्यूज जो अनटस्ट थे उसको इसमें कवर करने की कोशिश किया। तमाम सारी किताबों को अध्ययन करने तो उन इश्यूज को इसमें केस लॉस के साथ डिफाइन किया कि किस तरह से इस केस को पॉक्सो में डील करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे देखिए आज जो है हमारी पुलिस विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी है, अपर पुलिस अधीक्षक शिवराज ने एक पुस्तक लिखा जो कि पॉक्सो एक्ट से संबंधित है और उस पर उस पुस्तक का आज यहाँ विमोचन किया गया। उसमें हमारे सभी जो है आवश्यक योजना के बिंदु जो होते हैं जिसमें खासतौर से हमारे विवेचक को करना चाहिए और एक्ट की क्या विशेषताएं हैं और इस एक्ट में हम क्या चीज़ क्या सम इसको लागू करने में क्या जो है और भी तथ्य आ सकते हैं उनको लेकर के उन्होंने पुस्तक लिखा है। और ख़ासतौर से हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन में है पुस्तक। और इसको लेकर इसके पहले एक सेमिनार भी किया गया जिसमें बाल संरक्षण को लेकर जो कठिनाइयाँ आती हैं उसको लेकर के उसमें विचार रखे गए। हमारी जो दोनों सहयोगी लेखक जयदी सर और जयदी और शिवराज ने अपने विचार रखे, हमारे आयुष भी आए थे जिनको भी लाभ हुआ है। और इस पुस्तक को हम समझते हैं कि लिखने से हमारे बहुत ही योजना में सहयोग मिलेगा और आगे जो भी हमारी कमियां रहती है योजना में जैसे कि सजा दिलाने में कठिनाई होती थी उसमें कमी आएगी और अधिक से अधिक सजा हो सकेगी।